वेलकम टू द क्लब। तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच मेरे रिग्रेट्स के वीडियो को इतना ज्यादा प्यार दिखाने के लिए। मैंने उस वीडियो के रिएक्शन वीडियो के क्लिप को काट के एक रील बना के डाली जिसके दो दिन से भी कम टाइम में जो है 4 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं एंड बहुत जल्दी हम लोग इंस्टाग्राम के ऊपर 300K भी कंप्लीट करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द थैंक्स क्रेडिट गोज टू यू गाइस कि आप लोग मेरे काम को इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं यार। थैंक यू। सो तलहा अंजुम, अभी रिग्रेट्स और अब सिंस तुम, सिर्फ तुमने सिंस तुम जानी के साथ इनका गाना आया है। लग रहा है तलहा अंजुम अपने फिर से दिल टूटे आशिक वाले फेज में आ चुके हैं जहां वो अपने गानों से सबके दिल तोड़ने के लिए ना मतलब तोड़ रहे हैं। तो थंबनेल देख के लग रहा है बहुत ही प्यारा सा गाना होने वाला है, बहुत प्यारा सा फूल लग रहा है यहाँ पे। जो भी है बाकी सारी बातें बाद में, लेट्स सी सिंस तुम में क्या है। तो बड़े हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। ओ यस, सो 3 2 1 हियर वी गो। अच्छा, इसको प्रोड्यूस करा है सुपर डुपर सुल्तान, इसको प्रोड्यूस करा है सुपर डुपर सुल्तान ने। बहुत अच्छी बीट्स बनाते हैं वो, जितने मैंने उनके गाने सुने हमेशा तारीफ ही करी है क्योंकि गाने बहुत प्यारे लगते हैं। लेट्स सी सवेरे के 9:30 बज रहे हैं और मैं एक रोमांटिक गाना रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रोमांटिक ही होगा, पता नहीं। लेट्स यार, गिटार नायलॉन गिटार। तू प्यारी या ख्याल है मेरा, तू पहला मलाल है मेरा, पहला मलाल है मेरा, पहला मलाल है मेरा। अरे ओ माय गॉड, पहला मलाल वो मलाल होता है जो जिंदगी भर जिसमें का मलाल नहीं होता है। पहला जो मलाल होता है उसका मलाल नहीं होता है, वो एक याद की तरह जिंदगी भर साथ में रहता है लेकिन उसमें मलाल नहीं होता है, वो तो एक फूल की खुशबू की तरह होता है, राइट। जो जब भी खुशबू आएगी और आपको याद आ जाएगा, आपको उसकी तस्वीरें दिख जाएंगी और वो याद आ जाएगा, वो मलाल नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, उसको आप कहेंगे मलाल ही, समझ रहे, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे मलाल होते हैं लेकिन वो पहला था, लेकिन वो मलाल नहीं होता। मैं जादूगर हूँ कलम के साथ, तो पहला कमाल है मेरा। मैं जादूगर हूँ कलम के साथ, तो पहला कमाल है मेरा, मतलब समझ रहे। मैंने अपनी कलम से जिस तरीके से आपको समझा दिया है, जिस तरीके से आपको बयां कर दिया है, ऐसा कोई कर नहीं सकता है। और मैं जादू करता हूं तो वो कमाल होता है और मेरा पहला कमाल आप ही हैं। ओ माय गॉड, मुझे तेरी याद है बहुत, मैं करूं तुझे एक टेक्स्ट और, but you don't give a fuck about me, बता दे जाना घर कब आएगी, पहुंच जाएंगे पैगाम की तरह, ढल जाए किसी शाम की तरह, ढल जाएगी किसी शाम की तरह, एक खूबसूरत शाम जैसे ढल जाती है, याद आती है, हाथ से फिसलती चली जाती है जब एक बहुत खूबसूरत सी शाम होती है, वैसे ढल जाएं किसी शाम की तरह, है ना। एक वो भले ही वो लम्हा टेम्पररी हो लेकिन साथ में बिताए तो मजा तो आए। शाम की तरह ढल जाएं किसी शाम की तरह, क्या बात है। ढूंढते फिरे हमें शहर भर में अपने कीमती सामान की तरह। अबे क्या कर रहे हो जानी भाई, हर लाइन बढ़िया नहीं लिखने की हो रही है, ठीक है, हर लाइन में भाई जो है वो टच कर रहा है, मतलब तू ढूंढे मुझे शहर में किसी कीमती सामान की तरह। ढूंढते फिर हमें शहर भर में अपने कीमती सामान की तरह, हम तेरे मेजबान ना सही, शबे गम कोई आसान ना रही, मैं सीख कर बैठा हूँ दिल बहलाने का हुनर, तेरे आने के आसार ना कहीं। क्या करूँ, तू तो आने नहीं वाली, तो हुनर ही है कि अपने आप को बहला कर बैठा रहता हूँ, खुश रहता हूँ। तुझे मुस्कुरा दे मेरे हर जख्म को मरहम दसे आब हो, तुझे गुनगुना दे कोई लो की धुन सा लगे जहार हो, तुझे गले लगा ले जैसे हर कली की महक बेकार हो, तुम क्या हो तुम खुद नहीं जानती, ये सब मेरे साथ हर। यार ऐसे गाने ना लिखो कि सीधे बंदी को भेज के मैं पिघला ही दूं, मतलब आप लाइने सुनिए यार, क्या लाइने लिख रहे तू, तू गले से लगा ले तो हर कली क्या, तुझे गले लगा ले जैसे हर कली की महक बेकार हो, तुम क्या हो तुम खुद नहीं जानती, ये सब मेरे साथ हर बार हो। इतना प्यारे नायलॉन स्ट्रिंग गिटार की आवाज आ रही है, ना यहाँ पे मजा आ रहा है भाई। शिट, मैंने ध्यान नहीं दिया था, मुझे लग रहा था कि पीछे खाली साउंड चल रहा है ना, लेकिन ये तो पूरे लिरिक्स चल रहे हैं। क्यों
मैं लिरिक्स मिक्स मिस कर रहा हूँ यहाँ पे। इस गाने के लिरिक्स किसी ने दिए तो हैं, कोरस क्यों कहाँ ये कैसा फैसला, ओ डैम लिरिक्स ये क्या बात है क्या बात है क्या बात है, तब तो ये एक बार समझ के जाएंगे गुरु है ना, ऐसे ऐसे तो आगे नहीं जाएंगे। ये सब मेरे साथ हर बार, अरे यार मेरे वीडियो समय लेके देखा करो भाई, टाइम की कमी है तो जीवन में काम करो यार। यहाँ पे हम बैठ के म्यूजिक की बातें करते हैं भाई, जो दुनिया में लोग कम करते हैं। हम दुनिया से अलग हैं, हम लोग दुनिया से अलग है यार। हम दुनिया के गम एक तरफ, हमारा म्यूजिक एक तरफ। ये कैसा फैसला है, हो गए ये मिलो फासला है, हिलता नहीं हिलता सही करें क्या बात है। तुमसे मिले तो ठीक ना मिले तो Mr. Anjum entered. I didn't even realize. Listen to his vocal texture. थोड़ा सा यहाँ पे vocal texture को चेंज करा गया है। जब प्यार की बातें करते हैं तो अंजुम की आवाज बदल जाती है। तुमसे मिले तो ठीक ना मिले तो दिल ये खंजरों से चाक हो गया और सर पे बोझ परेशानियों का बरम क्लॉक टेन स्टूडियो में लगा रहता लड़का रात दिन bottom of the bottom johnny you know i've been now i'm at the top jaise main koi hakim sangaton ne rang badle they've been talking na aaye maut bar na aaye maut bhi theek hai ab aap baat suno ab aap baat suno dekho yahan tak abhi tak koi bhi pyar mohabbat ki baat nahi hui hai theek hai to dono ka perspective bahut alag hai mr johnny ne jo baat kari hai wo kari hai ki वो अपने प्यार को इजहार कर रहे हैं और अंजुम जो है वो इस चीज का इजहार कर रहे हैं कि जब मैं तुमसे अलग हो गया तो उसके बाद मेरी जिंदगी क्या हो गई, मैं अपने लाइफ को बॉटम ऑफ द बॉटम भी देख के आ गया, ठीक है मैं स्टूडियो में लॉक्ड हो गया, मैं काम करने लगा, मैं गाने बुलाने लगा। तो दोनों का ब्रेकअप अगर कहें है ना, क्योंकि दोनों को ब्रेकअप के बाद के जीवन और जो बातें हैं वो अलग है यहाँ पे, ठीक है। अभी तक अंजुम ने कोई प्यार मोहब्बत की बात नहीं करी है, लेट्स सी आगे क्या करते हैं। जानो मेरी जिंदगी they've been talking ना आए मौत बर ना आई मौत भी, जानो मेरी जिंदगी ये गजल बन गई, तू इंसाफ ना करे तू बदल बन गई, तुझसे लाखों मील जैसे तू हो चांद, तेरी रोशनी अब कशिश सकल सी बन गई, ना टूटने से टूटे वो कसम सी बन गई, मैं लिखूं शेर ना टूटने से टूटे वो कसम सी बन गई, ओ माय गॉड ना टूटने से टूटे वो कसम सी बन गई, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गया इस लाइन पे, उसका मतलब मैं बना नहीं पाया इसके आगे। सच बात बोलूं है ना, मतलब इतनी प्यारी लग रही है, टूटने से टूटे वो कसम सी बन गई है ना, मुझे लगा यार ये तो बहुत गहरा बन रहा है, फिर दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पाया इस बात का मतलब। कल सी बन गई ना टूटने जैसे तू हो चांद, तेरी रोशनी अब कशिश सकल सी बन गई, ना टूटने से टूटे वो कसम सी बन गई, मैं लिखू शायरी तू अदब सी बन गई, जो छोड़ दी अधूरी वो नज़म सी बन गई, मैं याद करूं तुझको तू सबक सी बन गई, मैं याद करूं तुझको तू सबक सी बन गई। अब भाई ना लाइन बढ़िया वाली, ठीक है मतलब समझ रहे हैं, जैसे जीवन में कोई सबक बहुत गहरा हो जाता है जो लाइफ टाइम रहता है, तो आप वही बन गई हैं। मैं जब भी याद करूं तुझको आप एक सबक सी बन गई हैं, मुझे समझ आ गया है आपके बाद, वो सबक मिल गया है कि जीवन को कैसे जीना है मुझे। नज़म सी बन गई, मैं याद करूं तुझको तू सबक सी बन गई, पर उम्मीद क्यों जगाती हो तुम, कहां हो क्या स्याही में समाती हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं पता है ना, तो मेरी जान तुम भी वक्त पर क्यों आती हो, हम खुद से बागी हैं या बेखबर, न मौत आती है ना ही सबर, तू ही ना मिला मुझे अगर तो मैं फासले बढ़ाऊं तुमसे बस, तू खींचे अपनी ओर न चलता खुद पे जोर, तू डाले ऐसी डोर, I'm hoping you don't let it go, let it go. छोड़ो ये बहाने ये कहानियाँ, बढ़ाओ ना तुम दिल की परेशानियाँ, हम पहले आशिक तो नहीं है जाने मन, ये इश्क खा गया बड़ी जवानियाँ। जी आई देखो इतनी देर से देखो मैं वेट कर रहा था बढ़िया लाइन होगी है ना, इसलिए चुप होके बैठा हुआ था, लेकिन अब आ गई है ना ये, हम कोई पहले तो आशिक नहीं है, इश्क खा गई कितनी जवानियाँ, सही बात है भाई, ठीक है लाइक इश्क तो है ही ऐसी चीज है ना, बदनाम है ना, मतलब कितने की जवानी बर्बाद कर दी इसने। मैं एक चीज बोलूंगा, मुझे फर्स्ट हाफ ऑफ द सॉन्ग ज्यादा अच्छा लगा सेकंड हाफ से, फर्स्ट हाफ में जो जानी ने लिख दिया जो उसका पहला वर्स है, किल इट मैन, जुड़ के बहुत खुश ये इश्क खा गया बड़ी जवानियां, मैं इस फर्श से जुड़ के बहुत खुश, क्या करें तेरी हवाएं हैं सवारियां, हम खो गए हैं खुद में मिलके नहीं दे रहे,
अब क्या ईद क्या दिवाली बस एक झलक जो दिख जाए मुझे तेरी तो शुरू करें हम ईद की तैयारियां मैं इस फर्श से जुड़ के बहुत खुश बादलों से है लगाई तूने यारियां तेरे सामान से भरी मेरी अलमारियां मत करो तुम और मजीद मेहरबानियां मैं बस दिल की बात कहने मत करो तुम और नसीब मेहरबानियां अब ना करो भाई हो गया पूरी अलमारी भर रखी है तेरी यादों से है ना जो मुझे परेशान करे जा रही है अब और नहीं प्लीज किसी तरीके से मेरे लाइफ से अलग हो जाइए अब और आप नहीं चाहिए मत करो तुम और मजीद मेहरबानियां मैं बस दिल की बात कहने वाला था तुम्हें फिर किसी ने मुझको नींद से जगा दिया माहिर हो गया हूँ मैं भी अब तड़पने में तो क्यों डरेंगे हम भी दिल को रखने में बदल गए हो तुम भी या पता नहीं तुम ऐसे तो नहीं थे मेरे सपने में मेरे सपने में तो तुम ऐसे नहीं थे रियलिटी तो आपकी असलियत तो यही थी लेकिन मेरे सपने में तो आप ऐसे नहीं थे यार मैं जैसा आपको इमेजिन करता था वो एक ड्रीम था जिसमें मैं आपके साथ था उसमें वो रियलिटी थी या ड्रीम थी पता नहीं मुझे हैरा एक बहुत ही ज्यादा सरीन सी फीलिंग थी ट्रांस स्टेट था जिसमें आप थे लेकिन जब सच्चाई मुझे हिट करी तब तो आप ऐसे नहीं थे जैसे मैंने आपको हमेशा अपने सपनों में अपने अपने ख्यालात में इमेजिन करा था क्यों फासला है मुझे थोड़ा याद भी हो गया नहीं ओ एक बार तो बीट ड्रॉप कर देते यार इतनी प्यारी सी बीट थी मुझे बिना लिरिक्स को सुनने का मन था यार लेकिन जो भी कहा यार गाना बहुत खूबसूरत था बहुत प्यारा गाना था यार है ना मतलब स्पेशली तो जो पहला वर्स था ना उसमें तो जाने खा गया है मतलब हर लाइन इतनी प्यारी मतलब इतनी ज्यादा हिट करने वाली कि उफ 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 है ना और ये मैं ये नहीं बोलूंगा ये शराब पी के सुनने वाला गाना है नहीं यार ये 24 घंटे वाला गाना है ये सुबह का पहला गाना भी हो सकता है ठीक है जब आदमी जो है ना जैसे पिछले वीडियो में बोला था वो दुख में मुस्कुराता है ना तो ये जब दुख में मुस्कुराता हुआ दफ्तर जा रहा होता है अपनी सच्चाइयों को पीछे छोड़ के तब आदमी ये गाना सुन सकता है लाइक बहुत प्यारा है और बहुत ही मजा आ गया मतलब मुझे डेफिनेटली फर्स्ट हाफ ऑफ द सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगा सेकेंड हाफ भी बहुत अच्छा था लेकिन अगर कंपेयर करा जाए तो जो जानी ने शुरुआत करी थी गाने की बहुत प्यारी एंड सुपर डुपर सुल्तान की बीट जो चाहिए था गाने को भरपूर निभाया मिनिमलिस्टिक बीट लेकिन भरपूर तरीके से निभाया मुझे जानी का पार्ट अंजुम से भी ज्यादा अच्छा लगा इस गाने में बाकी आप लोग गाना कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट से बताइए इंस्टाग्राम पे आइए 300K के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी आप लोगों की वजह से हम यहाँ तक आ गए हैं म्यूजिक का कारवा यहाँ तक मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मैं पुराने जमाने का आरजे हूँ जैसे बातें करता हूँ बट जो भी है दिल से शुक्रिया यार थैंक यू वेरी मच मेरे एक एक सपोर्टर को यार तुम लोगों ने मेरे को जिंदगी जीने का मकसद दे दिया डायरेक्शन दे दिया थैंक यू वेरी मच भाई है ना ठीक है सो जो भी है ना इंस्टाग्राम पे लेकिन जो फॉलो नहीं करता सालो आ जाओ है ना मुझे तुम भी थोड़ा मकसद दे दो जीवन जीने का म्यूजिक सुनाने का फैलाने का तुम लोग आना कैसा लगा वो कमेंट्स में जरूर बताना कोई प्यारी सी लाइन जो तुम्हारे दिल को छू गए जो तुम अपनी फीमेल बंदी को भेजना चाहोगे वो भी बताइएगा ठीक है बस सब बोल दिया मैंने बाय पीस